हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मात्र दो से तीन चीज़ों का एकदम नया और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी नाश्ता। तो फ्रेंड, अक्सर हमारा चाय के साथ कुछ क्रिस्पी और चटपटा खाने का मन होता है, लेकिन ऐसा क्या बनाएं जो कम मेहनत में और कम समय में बन जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज के आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो घंटी आती है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके और आप फटाफट से वीडियो को वॉच कर सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस नाश्ते को बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पोहा। तो यहाँ पे मैंने एक कप तक पोहा ले लिया है, तो अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। आपका पोहा जिस तरह का भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पोहे को एक स्ट्रेनर में डाल देंगे और इसे हम एक से दो पानी अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि पोहे में थोड़ी सी गंदगी होती है तो इसे वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम एक से दो पानी अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने पोहे को अच्छे से वॉश कर लिया है, तो अब अपने पोहे को हम दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से फूलने देते हैं, तब तक कि अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो इसे अब हम साइड कर लेंगे और अब चलते हैं अपनी दूसरी तैयारी पर। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं दो मीडियम साइज़ के आलू। तो अपने आलुओं को हम अच्छे से मैश कर लेंगे, आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो आलुओं को आपको बहुत ही अच्छे से मैश करना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स यानी कि गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं, तो इसे अब हम साइड कर लेंगे। और अब हम ले लेंगे एक छोटा सा इमाम दस्ता। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे तीन से चार लहसुन की कलियाँ। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दो से तीन हरी मिर्च। तो यहाँ पर हरी मिर्च आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हरी मिर्च को इस तरह से कट करके हम इसमें डाल देंगे और अब इसे हम अच्छे से कूट लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसका एक दरदरा सा पेस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट अब तैयार हो चुका है, तो इसे अब हम साइड कर लेते हैं और अब अपने पोहे को चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पोहा हमारा काफ़ी अच्छे से फूल गया है। इस तरह से हाथों से मैश करने से अगर ये अच्छे से मैश हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा पोहा काफ़ी अच्छे से फूल गया है। तो अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पोहे को डालते समय आपको इस तरह से हल्का सा इसे निचोड़ लेना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने अपने सारे पोहे को इसमें डाल दिया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, ताकि हमारे पोहे में काफ़ी अच्छा सा कलर आए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चौथाई चम्मच जितना चिली फ्लेक्स। तो फ्रेंड, चिली फ्लेक्स डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपने तैयार किए हुए लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। तो यहाँ पर हम आधे पेस्ट को डालेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इस पेस्ट में अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे पसंद नहीं है तो मैंने यहाँ पर इसे स्किप कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे आधा इसमें डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी करी लीव्स। इसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। अगर आपके पास करी लीव्स नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप टोटल हरी धनिया ही डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे एक चौथाई चम्मच साबुत जीरा। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें अजवाइन वगैरह भी डाल सकते हैं। तो अब हमने जो अपने आलुओं को मैश करके रखा था उसे भी हम इस टाइम पर इसमें डाल देंगे और आलुओं को डालने के बाद हम इसे हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड, इसे हमें तब तक मसलना है जब तक कि हमारा पोहा और आलू आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। तो यहाँ पर अगर आपका पोहा काफ़ी अच्छे से फूला होगा तो ये ईजिली अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छे से मैश नहीं हो रहा है तो आप दो से तीन मिनट इसे रेस्ट दीजिएगा, ताकि हमारा पोहा अच्छे से फूल जाए, उसके बाद इसे मैश करना चालू कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसे एक से दो मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेंगे, ताकि ये डो की फॉर्म में आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए डाल देंगे दो बड़े चम्मच जितना चावल का आटा। अगर आप चावल का आटा नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दो बड़े चम्मच इतना गेहूं का आटा या फिर सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दो छोटे चम्मच इतना ऑयल। तो तेल डालने से हमारा नाश्ता काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ना हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो कुछ इसी तरह का आपको डो तैयार कर लेना है। तो इसे हम मसल कर अच्छे से चिकना कर लेंगे, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपको इसे मसलना है। तो फ्रेंड, कुछ इस तरह का डो हमारा तैयार हो चुका है, तो अब अपने हाथों में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, ताकि जो हमारा डो है वो हाथों में बिल्कुल भी चिपके नहीं। और अब इसकी हम बड़ी बड़ी लोइयां बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी चार लोइयां बनाकर तैयार कर ली, आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं इसे बेलने की तरफ। तो फ्रेंड, इसे बेलने के लिए हमने एक चकला ले लिया है, तो अपने चकले को हम पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारा नाश्ता इस पर चिपके नहीं। तो अब अपनी एक लोई को हम अच्छे से चपटा कर लेंगे और इसे अब हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो इसे आपको हल्के हाथों से अच्छे से बेलना है, तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। जिस तरह से हम पूड़ियाँ बनाते हैं सेम उसी तरह से आपको इसे बेलना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसे काफ़ी अच्छे से बेल लिया है। इसमें थोड़े से क्रैक्स आएंगे, लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, इसे आपको अच्छे से बेल लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इसे अच्छे से बेल लिया और मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। तो कुछ इसी तरह की थिकनेस आपको इसे रखनी है, तो अब इसे हम कट कर लेंगे।
तो फ्रेंड इसे कट करने के लिए हमने इस ग्लास का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो किसी ग्लास या फिर कटोरी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे बहुत ही अच्छे से कट कर लिया है। तो अब इसके साइड्स को हम फिर से आटे में जोड़ देंगे और इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो अपने सारे नाश्ते को हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड इसे हम रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमने अपने सारे नाश्ते को अच्छे से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है फ्राई करने के लिए। तो चलिए आप फटाफट से इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमने तेल को ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो पहले अपने तेल को हम बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर लेंगे। और जैसे ही हमें लगेगा कि हमारा तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, तब हम इसमें एक एक करके अपने नाश्ते को इसमें ऐड कर देंगे। तो एक साथ बहुत ज़्यादा नाश्ते को इसमें ऐड मत करिएगा, वरना ये आपस में चिपकने लगेंगे। और इस तरह से हम चम्मच से इसे हल्के से प्रेस करते रहेंगे ताकि हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से फूले। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता काफ़ी अच्छे से फूल रहा है। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से फूल गया है और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो जब हमारा नाश्ता एक बार अच्छे से फूल जाएगा, तब अपनी गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसे हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, इनमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अब इस टाइम पर अपने एक एक नाश्ते को हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से अपने दूसरे नाश्ते को भी फ्राई कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको दूसरा बैच भी फ्राई करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और जैसे ही ये फूल जाएगा हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इस तरह से अपने सारे नाश्ते को हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है। तो नाश्ते को डालते समय आपको अपनी गैस की फ्लेम को हाई रखना है और जैसे ही आपका नाश्ता फूल जाए आपको अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसे क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई करना है। तो चलिए फ्रेंड इसी तरह से हम अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लेते हैं। बनकर तैयार है हमारे पोहे का ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी चटपटा नाश्ता। इसे आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसका साउंड सुना देती हूँ ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स देखा आपने ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और ये काफ़ी अच्छे से कुक हुआ है। और आप देख सकते हैं ये देखने में जितना ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। और इसे खाकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर है। तो इसे आप चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं, दोनों के साथ ये काफ़ी अच्छा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।